नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। सरकाघाट में युवक की मौत पर दंपति गिरफ्तार। किरहन में घर से दूर खेत में बरामद किया था शव। उपमंडल के तहत समैला पंचायत में किरहन के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। दंपति को सोमवार यानी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेने की वकालत पुलिस करेगी। इसकी पुष्टि डीएसपी तिलक राज ने की है। बता दें कि शनिवार को गाँव किरहन के राज कमल पुत्र धनीराम का शव घर से थोड़ी दूर खेत में मिला था। पुलिस के मुताबिक युवक के शरीर पर कोई निशान नहीं है। सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा। वहीं खबर की पुष्टि डीएसपी सरकाघाट तिलक राज ने की है। मृतक के पिता धनीराम ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा वेल्डिंग का काम करता था और अविवाहित था। 2 दिसंबर को घर से तिफाल घाट के लिए शादी को गया था और उसी दिन शाम को 6 बजे घर आ गया था। उससे पहले उसकी बात बेटे से फोन पर हुई थी। जब वे घर पहुंचा तो वे घर में नहीं था। मैंने आसपास पता किया लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। हिमाचल प्रदेश देश की पहली फुली वैक्सीनेटेड स्टेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी डोज लगाने के 100% लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 53,70,820 डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर छोटे से पहाड़ी प्रदेश ने देश को एक संदेश भी दिया है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जयराम सरकार अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। साथ ही हर घर दस्तक अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को जोड़ने व लक्ष्य प्राप्ति तक अहम योगदान के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को एम्स परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय मेगा इवेंट कोविड टीकाकरण कर्मियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नड्डा द्वारा एम्स की ओपीडी का शुभारंभ करने के बाद अब तक की प्रगति को रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किन परिस्थितियों में कैसे इन टीकाकरण अभियान को लक्ष्य तक पहुँचाया, इसका संदेश अन्य राज्यों में जाकर भी देंगे। एम्स बिलासपुर के बारे में मांडविया ने बताया कि नड्डा नियमित तौर पर एम्स का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें व अनुराग को बुलाकर दिल्ली में फीडबैक लिया था। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से जनता के समक्ष संपूर्ण वैक्सीनेटेड स्टेट बनने को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसके तहत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में कैसे कैसे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई गई। श्री मांडविया ने कहा कि देश में हर माह 31 से 32 करोड़ वैक्सीन तैयार की जा रही है। बड़ी बात यह है कि 150 देशों को सप्लाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री बोले, तीसरी लहर से भी दो दो हाथ को सरकार तैयार। एम्स परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। राज्य के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता को 3,804 से बढ़ाकर 8,765 कर दिया गया है, जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 11,000 किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सभी जिलों में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के सभी जिलों के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और संस्थानों में आरटीपीसीआर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में एम्स बिलासपुर की ओपीडी सुविधा मील का पत्थर साबित होगी और हिमाचल प्रदेश ने कोविड टीका करण की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के लोगों को यहां हर प्रकार की बीमारी की सुपर फैसिलिटी उपचार की सुविधा मिलेगी और बिलासपुर में स्थित एम्स से प्रदेश के लाखों लोगों को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को महत्व प्रदान कर एम्स का उपहार देने के लिए प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी है। उन्होंने
इस ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बिलासपुर में एम्स की स्थापना का सपना संजोया था और आज उनके निरंतर प्रयासों द्वारा हम सब के इस सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि प्रदेश ने लक्षित आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज के 100% लक्ष्य को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पात्र आबादी के कोविड टीकाकरण की पहली डोज के 100% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था और अब प्रदेश में लक्षित पात्र आबादी को दूसरी डोज के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रच दिया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलकस न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।